एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे, ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होगी, ढेर सारा प्यार आप सभी को मिल रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि आपके, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कौन आने वाला है। इफ़ यू आर सिंगल हियर, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। आप क्या आगे सोच सकते हो लव के बारे में, या फिर क्या आने वाला है। ठीक है, सो यार लेट्स स्टार्ट। ओ माय गॉड, आई जस्ट डोंट सी दिस कार्ड। मैंने अभी तक शफल नहीं किया है, एंड यू कैन सी अ हैप्पीली कार्ड, या फिर एक बहुत ही प्यारी मैरिड लाइफ, या फिर कह लो एक बहुत ही स्वीट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। यू कैन सी हियर 10 ऑफ कप्स कार्ड। ओके, सो यार इट कुड बी पॉसिबल यू आर वेटिंग फॉर अ सॉलिड कमिटमेंट, यू आर वेटिंग फॉर अ पर्सन जो आपकी लाइफ में आपको प्रायोरिटी में रखे। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन को चाहते हो अभी आप, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म तक चले। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस कुछ समय चला कोई रिलेशनशिप एंड देन इट्स एंड, नॉट ऐसा कोई रिलेशनशिप आप मुझे नहीं लगता कि चाहते हो। यू वांट अ रिलेशनशिप जहाँ पे आप सामने वाले की प्रायोरिटी हो और सामने वाला आपकी प्रायोरिटी हो, सामने वाला आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे एंड बाकी चीज़ें अलग से सेकेंड उनकी क्या बोलते हैं प्रायोरिटी हो चीज़ें। ठीक है, सो या आज हम यही देखने वाले हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटी में रखेगा विद 10 ऑफ कप्स कार्ड है। वैसे तो मैंने अभी तक रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, बट हम देखने वाले हैं कि हाँ डेफिनेटली कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में इतने सारे कलरफुल कलर्स लेके आने वाला है। हम सींग हर म्यूज़िक, आई डोंट नो म्यूज़िक प्लीज, ऐसा कुछ। सो ये कोई कोई मैं क्या बोलते हैं म्यूज़िक वगैरह में इंटरेस्ट हो इस पर्सन का, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो यार लेट्स सी विद योर कार्ड्स कि क्या बेसिकली क्या आने वाला है, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, प्लीज़ इंटरेस्ट टेल मी कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो टेक व्हाट्स रेजोनेट विद यू, लीव द रेस्ट। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखोगे आपसे रेजोनेट होगी, आपसे जो रेजोनेट हो बस वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आने वाला है, सिंगल्स के लिए क्या आने वाला है, प्लीज एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए जो सिंगल हैं उनके लिए क्या आने वाला है। इस पर्सन की ब्लैक आईज हो सकती हैं, या इनको काजल लगाना पसंद हो आंखों में, या डार्क ब्लैक आईज फॉर सम। प्लीज एंजल्स टेल मी कौन है जो मेरे व्यूवर्स को सिंगल्स की लाइफ में आने वाला है, कौन है जो सिंगल्स की लाइफ में आने वाला है, प्लीज टेल मी। ओके ओके, ओ माय गॉड इट्स 8 नंबर इज हियर, 8 8। वेट अ मिनट, मुझे लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी, आई होप मैनेज करोगे आप। सो या 8 ऑफ वांड्स कार्ड हियर, स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर, स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर एंड 8 ऑफ वांड्स कार्ड इज हियर। इट कुड बी पॉसिबल ये आपको इफ अगर आपकी कोई हेल्थ इशू है और आप इनके पास ट्रीटमेंट के लिए गए, तो ये कोई डॉक्टर नर्स भी हो सकता है, किसी का नाम ओम भी हो सकता है यहाँ पे। अजय, उन्नत, उन्नति, ऐसा कुछ नाम, JW मुझे नजर आ रहे हैं, किसी के नाम में आता हूँ। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिलेंगे, अगर ऑनलाइन नहीं मिलेंगे तो ये पर्सन आपको मेडिकल फील्ड से हो, ऐसा हो सकता है कि मेडिकल फील्ड से आपको मिले, या फिर किसी हीलिंग के फील्ड से हो ये पर्सन, या आप हीलर हो या सामने वाला हीलर हो, किसी ना किसी का किसी ना किसी तरह से ट्रीटमेंट, इट कुड बी अ ह्यूमन ट्रीटमेंट और अ एनिमल्स ट्रीटमेंट ऑल्सो, ये कोई ह्यूमन ट्रीटमेंट कर सकते हैं ये पर्सन, या हीलर हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे हो सकते हैं
एनिमल स्प्रिट हो, इनको एनिमल्स से बहुत प्यार हो, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे, या फिर आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड के म्यूचुअल फ्रेंड हो, ऐसा कुछ आई थिंक. ओके सो या स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर एंड विद दिस एट ऑफ वॉन्स कार्ड इज हियर. इट कुड बी पॉसिबल ये पर्सन दूसरी कंट्री से हो, इट कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑनलाइन इन्हें डेट करें, ऐसा हो सकता है. एंड आई एम सीइंग हियर अ क्राउन. ठीक है, मैं एक क्राउन देख पा रही हूँ, एक ताज देख पा रही हूँ उनके सिर पे. सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे. आपसे जब भी मिलना, बुके लेके आना फ्लावर्स का, ठीक है, ऐसा पर्सन मुझे नज़र आ रहा है. एंड फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको रखेगा ऐसा पर्सन. मे बी आप दोनों के बीच में 8 मंथ का गैप हो, या फिर आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आपकी शादी नहीं हो रही, आपको कोई रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है. इट्स अ साइन, इट्स अ कन्फर्मेशन कि यस आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा ये पर्सन, लेकिन थोड़ी देर लगेगी. ओके, यू कैन सी द डेविल कार्ड इज हियर. इट कुड बी पॉसिबल अ लॉस ऑफ अट्रैक्शन हियर. यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी. ओके, आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है. एंड या फॉर सम इट कुड बी पॉसिबल कि हाँ ये पर्सन जो है सोशल मीडिया स्टार हो सकते हैं. इट कुड बी यू, ठीक है, या फिर दूसरी कंट्री से पर्सन हो सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है. मे बी आप दोनों को ट्रैवल करके आना पड़े, मे बी आप दोनों को एक दूसरे से ट्रैवल करके बात करनी पड़े. ठीक है, ट्रैवल करें आप एक दूसरे के लिए, वो आपकी सिटी में आए, आप उनकी सिटी में जाएं. इट कुड बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ आप इस पर्सन को मिलो, ऐसा हो सकता है. ठीक है, आई एम सीइंग हियर अ ब्यूटिफुल कार्ड, द स्टार कार्ड इज हियर. द स्टार कार्ड ये है, ये दिखाता है कि वो आपको अपने विश मानते होंगे. यू आर लाइक अ स्टार इन देयर लाइफ, आप एक स्टार हो उनकी लाइफ में, ऐसे हो दैट बस क्या बोले कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश आप हो और आप ही रहोगे, ऐसा. सो ये पर्सन है ना, ऐसा हो सकता है, मे बी ये आपको जानते हो, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं. बट आई एम सीइंग हियर अ न्यू पर्सन हियर. ठीक है, ये कोई ऐसा न्यू पर्सन है जो साइकिक वे में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मे बी यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जी के साथ कनेक्टेड है ये पर्सन. विद दिस हाई प्रेस्टिस कार्ड इज हियर, इट कुड बी एनर्जी ऑल्सो. ये पर्सन वो कहते हैं ना सांस का जोड़ा, ठीक है, पेयर, या फिर कह लो कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने कंपैटिबल होंगे ना कि कोई आप दोनों की एनर्जी को मैच नहीं कर पाएगा. मे बी इनकी गवर्नमेंट जॉब हो, मे बी ये लॉ के फील्ड में हो, अगर लॉ नहीं लॉयर वगैरह हो, प्रोफेसर वगैरह हो, या फिर ये कोई हीलर हो, साइकिक हो, मेडिकल फील्ड से हो, या फिर ये मुझे लग रहा है IIT या फिर दूसरी कंट्री से, या खुद का कोई बिजनेस हो सकता है इनका. इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो इसमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. सो इफ यू वॉन्ट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हो, DM कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे. एंड या बहुत ही लॉयल पर्सन आने वाले हैं, लेकिन आप जब इन्हें मिलो तो बहुत ज्यादा उम्मीदें मत बांधना, एकदम शून्य से शुरुआत करना, जीरो से शुरुआत करोगे आप दोनों. और ये रिलेशनशिप कहते हैं ना कि चलो हमने इसीलिए एक दूसरे से बात की क्योंकि हमें एक दूसरे के लुक अच्छे लगे, हमें एक दूसरे की बातें अच्छी लगी, हमें एक दूसरे का नेचर अच्छा लगा. अब ये मत बोलने लग जाना डियर मैम, डियर दी, हम लुक्स वगैरह पे जज नहीं करते लोगों को. हाँ ऑब्वियसली आप नहीं करते होंगे, बट ये मैसेज आपके लिए नहीं है. अगर किसी का मैंने मैसेज देखा था, आई डोंट नो क्या था, कि हम लुक्स को नहीं मैटर करते, हमारे लिए मैटर नहीं करते. यस ऑब्वियसली मैटर नहीं करना चाहिए लुक्स, लेकिन हाँ ये अगर आपको ट्रिगर कर रही है चीज़, दैट्स मीन इट्स नॉट फॉर यू.
ये पर्सन सबसे पहला ऐसा हो सकता है कि पहली नज़र का पहला प्यार ऐसा हो सकता है, मे बी सामने वाले के लुक्स आपको अच्छे लगे एंड यू आप इस तरीके से सोचो कि हाँ चलो कुछ बात तो कर ही सकते हैं इफ़ यू आर सिंगल हियर। सो आप सिंगल तो हैं ही, इसलिए तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप ये सोचो कि चलो कोई ना एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए कि सामने वाला कैसा है, चलो सामने वाले के बारे में जाना जाए कैसा है, क्या नेचर है। एंड आप है ना इसे एक क्या बोलूँ मैं, आपको नहीं पता होगा कि ये रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। आप बस इसे एक बहुत ही हल्के में लेके चलोगे कि चलो बात करने में क्या ही जाता है, बात तो कर ही लेंगे हम, चलो क्या है, कोई नहीं बात कर लेते हैं, और आप इससे नॉर्मली बात करोगे इस पर्सन से। बट आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि कब ये दोस्ती, कब ये बातचीत प्यार में बदल गई, और फिर वो प्यार इतना अच्छा, इतना प्योर कनेक्शन में बदल गया कि आप एक दूसरे से शादी करना चाहते हो विद दिस हेरोफेंट कार्ड इज यहाँ। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यू बोथ वॉन्ट कि हमारी अगर शादी हो सो फैमिलीज की मर्जी से हो। सो ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है एकदम ज़ीरो आप उम्मीदें लेके चलना, ठीक है, ज़्यादा मत सोचना कि भाई सामने वाला मेरे लिए बहुत ज़्यादा केयर करेगा। शुरुआत में ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला केयर ना करे, मतलब उतने ना करे जितना आपने सोचा हो, और लेकिन उसके बाद आपको ये लगे कि भाई ये तो बहुत ही फ्लर्टी है, शुरुआत में फ्लर्टी है, सब पे ट्राई कर रहा है, कर रही है, ऐसा कुछ आपको लगे शुरुआत में कि हाँ भाई इसका नेचर ही ऐसा है, चलो कोई नहीं बात करने में क्या ही जाता है, आप ऐसे हो गए। लेकिन ये पर्सन कब आपके लिए लॉयल हो जाते हैं, कब आप इनके लिए लॉयल हो जाते हो आपको पता ही नहीं चलेगा। कब ये पर्सन आपको शादी के लिए बोल देंगे मुझे नहीं, आपको भी यकीन नहीं होगा। और ये पर्सन ऐसा नहीं है कि फ्लर्टी है, दैट्स मीन नॉट लॉयल। फ्लर्ट करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन ये एक बाउंड्री होती है इनकी कि उससे आगे मुझे किसी को आने नहीं देना है, लेकिन ये आपको उस बाउंड्री से आगे आने देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये आपको वो हक देंगे जो इन्होंने किसी को ना दिए हों। इनके लिए और लोग ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेंगे, और उसके बाद वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड है, सो ये एक सॉलिड कमिटमेंट की बात करेंगे आपको, एंड लॉयल रहेंगे आपके साथ। ओके, टू ऑफ कप्स कार्ड इज हियर, आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी कार्ड्स आर रिवर्स। ओके, प्लीज एंजल्स टेल मी, हीना किसी का नाम हो सकता है, या फिर आप सबसे पहले करो हाय, हाउ आर यू, फाइन, ऐसा कुछ। ओके, द ओ माय गॉड, दिस थ्री कार्ड्स आर हियर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द स्टार कार्ड, ठीक है, एंड दिस टू कार्ड्स आर हियर, द वर्ल्ड एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट यू वांट नाउ डियर, व्हाट यू वांट, बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल कार्ड्स आर हियर, कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। सो ये आपके लिए एकदम क्या बोलते हैं, डेस्टिनी मेकर रिलेशनशिप रहेगी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमिटमेंट ये पर्सन देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाला सिर्फ आपके साथ भाई कुछ टाइम है, उसके बाद सामने वाले का कोई अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है विद दिस हाई प्रेस्टिस कार्ड है आपकी लव रीडिंग में है, दैट्स मीन थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर रहने वाला है, कोई कास्ट, कोई कल्चर, कोई डिफरेंस ज़रूर रहने वाला है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई बीच में चीज़ें ऐसी ज़रूर रहेंगी जो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है विद फोर ऑफ वॉन्स कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पे शादी के चांसेस हैं। इट कुड बी अ ट्रेडिशनल मैरिज, इट कुड बी अ कोर्ट मैरिज, और आप अपनी पसंद से करें लव मैरिज, ठीक है। आई ओ सी या जी या ई, सी ओ एस ओ डी, आई डोंट नो, ऐसा कुछ ज़रूर ना ज़रूर या इनके नाम में होगा या इनका कोई प्रोफेशन होगा, आई डोंट नो। ये आपकी आँखों में टीयर्स नहीं देख सकते, ऐसा कुछ होगा।
एंड सामने वाला आपके आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगा, मुझे ऐसी नजर आ रही है एनर्जी, बिकॉज यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल कार्ड्स आर हियर. यहाँ पे ओ माय गॉड, ओ नो, आई एम शॉक्ड फॉर यू डियर. अब आप ये पूछो कि क्यों शॉक्ड हूं, बताऊं? मेजर आर्कानास काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मेजर आर्कानास आर हियर, 7, यू कैन बिलीव, 7 मेजर आर्कानास आर हियर. आपकी लाइफ में ये एक मेजर पर्सन रहेंगे, इनकी लाइफ में आप एक मेजर पर्सन रहेंगे, आपकी डेस्टिनी इनसे मिलने के बाद चेंज होगी, इनकी डेस्टिनी आपसे मिलने के बाद चेंज होगी. मे बी आपकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप, 1, 2, 3, आई डोंट नो, या फिर या 2-3 रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ऐसी रही है जिसने आपको एकदम क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय करके रखा था, या फिर आपकी फीलिंग को वहाँ पे नहीं समझा जाता था, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सामने वाला आपको समझेगा भी, सामने वाला आपको टाइम भी देगा, सामने वाले के पास आपके लिए टाइम भी होगा, एंड यू विल बी थैंकफुल टू गॉड कि काश जो आपने नहीं काश नहीं थैंक यू आपने जो भी किया, जो मैं काश लगाता था या लगाती थी कि काश ऐसा हो जाता, आज मुझे वही पर्सन मिला है. एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पर्सन, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, एंड यू विल बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, यू विल. लेट्स सी नेम इनिशियल्स, एंड मुझे यहाँ पे 8, 5, 10 मुझे नजर आ रहा है, 4 month, 2 month, 8 month, 10 month, 5 month फॉर सम, 21 आपकी एज हो सकते, इट कुड बी एक्स, ओ माई गॉड, एक्स ए वाई आयान ब्राउन जापान, ई से नाम हो सकता है या इनके नाम में ई आता हो, टी, टी आपको टी पसंद हो, चाय आपको चाय पसंद हो, मे बी मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपको चाय पसंद हो. आप बोलो हाय हेलो कैसे हो, शुरुआत आपकी चाय से हो, मुलाकात आपकी चाय के साथ, ऐसा ओके. सऊदी अरब से हो, नॉट फॉर एवरीवन, वी ओके. ऑस्ट्रेलिया व्हाइट कलर, बी बी ए बी एस बॉस, ओके बॉस. यू यूएसए अमेरिका से हो सकते हैं, अफ्रीका अदर कंट्री यू कैन सी, एशिया ओके ओके. नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंड आफ्टर दैट हम इस रीडिंग को एंड करते हैं. Any guidance for my viewers, angels? Fulfill your all desires. यूनिवर्स आपको बोल रही है आपकी जो भी डिजायर है गो अहेड फुलफिल कीजिए उसे. आई इट्स अ राइट टाइम टू टेक एक्शन, आपके लिए बहुत ही राइट टाइम है एक्शन लेने के लिए, आप जो भी सोच रहे हो. मेक योर विजन बोर्ड, अपना विजन बोर्ड बनाइए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बिकॉज बहुत जल्द आपकी ब्लेसिंग्स इतनी हो जाएंगी कि आप काउंट नहीं कर पाओगे. सो गो अहेड एंड लेट्स सी कब तक आएंगे. 16, 17, 18, 19, 20 इट कुड बी अ डेट ऑफ बर्थ, देयर डेट ऑफ बर्थ, वेरी सून बहुत जल्द, 26, 27, 28, 29, 30 इट कुड बी अ डेट ऑफ बर्थ, और आफ्टर 11 मंथ और नवंबर का महीना हो सकता है. एंड आस्क क्लियरली आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से, एकदम क्लियरली क्लियर कट होके बताएं यूनिवर्स को. एंड मार्च, इट कुड बी मार्च, सो सॉरी, दैट्स ऑल फॉर यू.
एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा. इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो हमसे बात कर सकते हो. लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.